हुई है और समर्थकों के साथ में नामांकन स्थल पर पहुंचे थे मोती सिंह। समर्थकों को बैरिकेडिंग के पास रोके जाने पर नाराजगी इनमें देखने को मिली और मंत्री ने लड़ाई दिखाई सत्ता की हनक। बीजेपी नेता और पुलिस में जमकर नोकझोंक हुई है। पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार भी लगाई है। मंत्री का फटकार लगाने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। अफीम कोठी परिसर में नामांकन हो रहा है, यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी नेता और पुलिस में जमकर नोकझोंक हुई है। हालांकि आपको बता दें कि जिस वक्त नेता पुलिसकर्मियों को फटकार लगा रहे थे उस दौरान का ये पूरा वाक्या कैमरे में कैद कर लिया गया और अब ये वीडियो सामने आया है जहाँ अफीम कोठी परिसर में नामांकन हो रहा है और मंत्री का फटकार लगाने का वीडियो भी सामने आया है। वहीं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर अफीम कोठी परिसर में नामांकन होने की बात सामने आई है और यहीं से ये वीडियो भी सामने आया। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी नेता और पुलिस में नोकझोंक का ये मामला सामने आया था। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, समर्थकों के साथ में नामांकन स्थल पहुंचे थे मोती सिंह। तो मोती सिंह समर्थकों के साथ में पहुंचे थे और समर्थकों को बैरिकेडिंग के पास रोके जाने पर वो नाराज हो गए, क्योंकि आपको बता दें कि नियमों के चलते सिर्फ कुछ लोगों को ही नामांकन स्थल के भीतर जाने दिया जाता है, लेकिन यहां पर मंत्री जी नाराज हो गए और सत्ता की हनक दिखाने लगे और इसी दौरान जमकर बीजेपी नेता और पुलिस में नोकझोंक भी होती है। वो पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाते हैं, लेकिन ये पूरा वाक्या कैमरे में कैद हो जाता है और अब ये वीडियो सामने आ रहा है जहां पर वो पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अफीम कोठी परिसर में नामांकन हो रहा था वहीं की ये पूरी घटना बताई जा रही है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी नेता ने दिखाई सत्ता की हनक। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। यूपी